नमस्कार दोस्तों और भाई लोग, आप कैसे हो? और आप लोग ये बताइए कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो भी कुछ हो सकता है आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिलती है वो मैं आप लोगों तक साझा करता हूँ। अभी जैसे एक है, RTI डालना होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। जैसे गाँव में अभी भी बहुत से रूरल एरियाज़ में, गाँव देहात में जो लोगों को है उनको अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, और वो क्या होता है, शोषण का शिकार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं खासकर ये गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये चीज़ मैं बना रहा हूँ कि आपका जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, RTI, सूचना का अधिकार 2005, ठीक है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सूचना का अधिकार 2005 इसलिए लाया गया था कि हर नागरिक को अधिकार है अपनी देश के बारे में, हर संस्था के बारे में जानकारी रखने का, कि अगर आपको आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आपके उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है कि ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो जिस संस्था में आप RTI लगाओगे उसको 30 दिन के अंदर आपको वो जवाब देगी कि किस कारणवश आपका काम रुका हुआ है, आपके गांव में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, मान लो सड़क बन रही है या कुछ हो रहा है और काम नहीं हो रहा है, तो आप उसके ऊपर RTI डाल सकते हो। किसी के ऊपर भी, आप किसी भी संस्था के ऊपर, सरकारी संस्था है, CM से लेके PM है, पुलिस स्टेशन है, तहसील है, जिसके ऊपर भी आपको कुछ लगता है, संदेह है, आप उसके ऊपर RTI लिख के डाल सकते हो। इसमें आपका RTI डालने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाता है, वो कभी भी शो नहीं किया जाता है, और 30 दिन के अंदर में आपके पास में जवाब आ जाएगा कि इस वजह से यहाँ पे इतना खर्चा हुआ है। या मान लो आप एक जनरल क्वेश्चन आप जानना चाहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर में कितना खर्चा हो रहा है, उनके ऊपर खाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी RTI के माध्यम से। या मान लो आपने पेंशन के लिए आयोग आवेदन किया हुआ है और आपके माता जी या किसी के, आप 60 साल के हैं, उनकी पेंशन रुकी हुई है, किस कारण रुकी हुई है आप समझ नहीं पा रहे हो, बार बार पेंशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आप क्या कीजिए, RTI डाल दीजिए, किसके, मानव समाज कल्याण विभाग के नाम से। 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, अगर रुकी हुई पेंशन है तो बहाल हो जाएगी, नहीं तो 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा हर चीज़ का। तो इसका प्रावधान क्या है कि 30 दिन के अंदर नागरिक द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी, कोई भी जानकारी जिस आप संस्था में लिखोगे उसको 30 दिन के अंदर जवाबदेही देनी ही होती है। पहली बात तो यह है, सूचना प्राप्त ना होने पर आप स्थानीय राज्य व केंद्रीय सूचना आयोग में दोबारा अपील कर सकते हो। मतलब ये राज्य स्तर पे भी है, लोकल स्तर पे भी है और केंद्र स्तर पे भी है, आप कहीं पे भी किसी के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है और हर भारत के नागरिक का एक अधिकार है, जो अभी तक गाँवों में या देहातों में किसी को नहीं मालूम है कि हमारे मूलभूत अधिकार क्या हैं। तो ये RTI एक उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, RTI यानी कि जानने का अधिकार। तो जानने का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है हमारे देश के बारे में, विकास के बारे में, या किसी का कोई काम रुका हुआ है, पेंशन रुकी हुई है, या किसी का कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके बारे में, तहसील से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आप RTI डाल सकते हो उस डिपार्टमेंट के खिलाफ, ठीक है। सभी संवैधानिक संस्थाएं, जितनी भी संवैधानिक यानी कि सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी हैं, या प्राइवेट कोई NGO चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, वो सब इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, सब जगह इसको लागू किया गया है, पूरे भारत में लागू है, कहीं की भी जानकारी आप ले सकते हो इसके बारे में, ठीक है। और इसका मेन मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि लोग एक्टिव रहें और भारत का जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, और नागरिक के हितों की बात करें जो, ठीक है। अब इसी से ही जो बीच में कुछ, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, 2G घोटाला हुआ था, कोलगेट घोटाला हुआ था, तो जितने घोटाले हुए थे RTI के माध्यम से ही उनकी जानकारी मिली थी कि इसमें इतना खर्चा हुआ है, इतनी लागत हुई थी ये। तो अगर आपको किसी घोटाले में का पकड़ना है तो आप उसकी भी RTI डाल सकते हो, और आपका कोई काम नहीं हो सकता तो उसके बारे में भी RTI डाल सकते हो। इसका मेन चीज़ है कि पारदर्शिता लाना, जवाबदेही, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही जो तय की जाती है, और शासन को सशक्त बनाना, और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, मेन चीज़ है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना।
अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में या आपके स्टेट आपके तहसील में या कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आरटीआई डाल सकते हो कि भैया इतना यहाँ पे फालतू खर्चा हो रहा है, या किसी के उस पर भी आप आरटीआई लगा सकते हो। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक। और आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आरटीआई लगाओगे तो आपकी जानकारी जो है वो गुप्त रखी जाएगी। ये भी एक इसमें वो तय है कि जो आरटीआई लगाएगा उसकी जानकारी किसी को सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ है कि आरटीआई लगाने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाती है, और जो भी आप सूचना लेना चाहते हो किसी भी विभाग की कि इस विभाग में कितना खर्चा हुआ है और कितना मतलब होना चाहिए था, कितना ज़्यादा हुआ है, किस किस जगह पे कहाँ कहाँ पे खर्चा ज़्यादा किया गया है, वो सारा आपको डिटेल आप उससे पकड़ सकते हो कि यहाँ पे घोटाला हुआ है कि क्या हुआ है, कि कहाँ पे किस किस ने कितना खाया है, घूस खाया है। हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास में 30 दिन के अंदर में आ जाएगा। अब मान लो आपने किसी की पेंशन ऑनलाइन करवाई, सीएससी सेंटर वाले ने ऑनलाइन कर दी, ऑनलाइन होने के बाद में तहसील में जाएगी, तहसील के बाद में डीएम के पास में जाएगी, डीएम ने अप्रूवल कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपकी फाइल गायब हो जाती है। होता क्या है, ब्लॉक में कहीं ना कहीं पे कुछ साल दलाल बैठे होते हैं, वो जानते हैं कि ये इस गांव की है, रिजेक्ट कर दो, हम जाएंगे पैसा लेंगे फिर करवा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, समाज कल्याण विभाग के नाम से एक आरटीआई डाल देनी है कि अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल दीजिएगा, 30 दिन के अंदर अंदर आपकी पेंशन बहाल हो जाएगी अगर किसी की भी रुकी हुई है। ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब मान लो आप किसी और आयोग में या किसी भी उस पर आपको अगर लगता है कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हो। ये जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। खासकर गाँव के लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं अपने हित का और अपने उसका उपयोग करें। उपयोग करने से ही पता चलेगा कि कहाँ पे कितना क्या सरकार खर्चा दे रही है, कहाँ पे नहीं दे रही है, और किस चीज़ पे मतलब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप जिस चीज़ की भी जानकारी लेना चाहते हो ना, विकास के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, आपको जानकारी मिलेगी बराबर। बस ये है कि आपके अंदर थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए। अगर जागरूकता नहीं है, आपका कोई काम रुका हुआ है और आप नहीं करें, यार क्या करें, कैसे सीधा आरटीआई लगाओ, उसके बारे में क्या है। आप ऑफलाइन भी लगा सकते हो, ऑनलाइन भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन हैं इसमें। अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हो तो आपका फ्री में होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो 10 से 100 रुपये के बीच में होगा। अगर ऑफलाइन जाना है तो उस विभाग के नाम पे लेटर लिखना है, सूचना का अधिकार 2005, संबंधित अधिकारी का जो उसका है उसका डिटेल लिखना है, नीचे फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लिखना है, उसके बाद में लिफाफे के ऊपर फ्रंट में जिस विभाग में आपको डालना है उसका एड्रेस लिखना है, पीछे में अपना फ़ोन नंबर और पता लिखना है, बस। बाकी आधार कार्ड ये वो सब दुनियादारी कोई गोपनीय दस्तावेज इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। 30 दिन के अंदर में जो भी कुछ होगा शासन द्वारा आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हमारे जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं, सूचना का अधिकार 2005 में सरकार लेकर के आई थी कि किसी भी नागरिक को हर चीज़ के बारे में जानने का अधिकार है। तो जागरूक बनिए, और अगर किसी भी चीज़ के ऊपर आपको डाउट होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसका हित का प्रयोग कीजिए। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि मैं आगे कुछ और नई जानकारी आप लोगों को दे सकूं। क्योंकि मेरे को जो भी जानकारी कहीं से हासिल होती है तो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। आप किसी भी नेता की, किसी भी विधायक की, किसी की भी जानकारी ले सकते हो, साल भर में इसने कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी घर बैठे। सिर्फ एक क्या करना है, कागज़ पेन उठाना है, लिख के बस भेजना है बस। अगर एक्टिव होना चाहते हो, दुनियादारी के मामले में अगर जानना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, किसी की भी जानकारी आप ले सकते हो घर बैठे। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। वैसे तो सालों से चल रही है, 2005 से चल रही है, लेकिन गाँव में किसी को ये चीज़ें नहीं मालूम है। सिटी में सब कुछ चल रहा है बराबर, लेकिन अब मैं जैसे गांव से बिलोंग करता हूं, पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था, अभी मैंने सोचा कि इस चीज़ पे भी वीडियो बना के दिया जाए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मालूम चलेगी कैसे क्या आगे हम लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए मेरे उस पर वीडियो पर, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।